बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 करबला मुकद्दसा को इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं, मुलाहिजा फरमा रहे हैं और प्रोग्राम आरिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ में हाजिर खिदमत है। आज का दिन शहादत हज़रत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तमाम मोमिनीन की खिदमत में बिलखसूस हमारे वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की खिदमत में तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं। यकीनन तमाम शियायान जहान के लिए ये रोज़ गम है, गम का दिन है और यकीनन तमाम मोमिनीन इस वक्त अपनी आज़ादारियों में मसरूफ़ होंगे और इस दिन को यकीनन दूसरे दिनों के बनिस्बत इसमें कुछ चेंजेस होंगे और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कि अगर इंसान उन दिनों को जो मखसूसी दिन होते हैं, जो मखसूस आयाम होते हैं, चाहे वो आयाम में गम हो या आयाम में वफात हो या आयाम खुशी हो, दूसरे दिनों के बनिस्बत मोमिनीन की ज़िम्मेदारी है कि कम से कम उन दिनों को दूसरे दिनों से कुछ अलग तरीके से पेश करें, ताकि लोगों को पता चले कि ये दिन कौन सा दिन है और इस दिन को क्या हुआ था। तो यकीनन ये भी ग़ैबत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों की तरफ, लोगों के लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुआरफ़ी करें, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को लोगों के सामने पेश करें, उनके दीन को लोगों के सामने पेश करें और लोगों के लिए बात बिल्कुल वाज़ह हो जाए कि ऐसा ये कौन सी हस्तियां हैं और कौन सा ये दीन है, हमारे फ़िक्र क्या है, हमारी सोच क्या है और किन चीज़ों की बुनियाद पर हमारे अकायद है। यकीनन बास चीज़ें इंसान ज़बान के ज़रिए से पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ज़बान के ज़रिए से हो सकता है कि जब आप ज़बान के ज़रिए से कोई चीज़ लोगों के लिए पेश करोगे और उनके लिए बयान करोगे तो हो सकता है कि उनके लिए ये बात नागहवार गुजरे और वो पसंद न करें, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदे का अपना दीन है, अपनी सोच है। लेकिन बास चीज़ें जैसे अमल के ज़रिए से हम लोगों के लिए पेश करेंगे तो ये ज़्यादा मौसर होते हैं। तो इसी तरीके से इन आयाम को इज़्ज़त देना, इन आयाम को आज़ादारी बरगुजार करना या कोई ऐसा अमल करना कि जिससे लोग मुतवज्जे हो जाए, ये बेहतर है और ग़ैबत इमाम में हमारी ज़िम्मेदारियों में से है कि हम इस चीज़ में भी कोशा रहें, अपनी कोशिश को बरकरार रखें कि ऐसा क्या हुआ था कि हम इस दिन को दूसरे दिनों के बनिस्बत गिरामी रख रहे हैं, इनको हम इज़्ज़त दे रहे हैं और कौन सी शख्सियत, या अगर अहले अकल होंगे, अहले फ़िक्र होंगे तो यकीनन वो सोच और फ़िक्र और विचार करेंगे। लेकिन बाज़ ये ऐसे हैं कि जैसे उमूमी लोग हैं कि जो इन चीज़ों की तरफ उनकी रग़बत ही नहीं है तो उनका तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन यह है कि अगर कोई शख्स वाकयन सोच विचार वाला आदमी है, ज़रूरी नहीं है कि वो शिया ही हो, किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर वो शख्स दकीक है, दिक्कत करने वाला है तो वो इन चीज़ों की तरफ उनकी यकीनन रग़बत हो जाएगी और कोई भी चीज़ जब उसको नई दिखेगी तो उसके ऊपर वो सोच विचार करेगा। और इंसानियत का तकाजा भी यही है कि जब कोई ऐसी चीज़ जो कोई भी चीज़ हो जिसकी तरफ जो इंसान देखे और उसके लिए अजीब हो वो चीज़, या अजीब ना भी हो लेकिन उसके लिए वो चीज़ नहीं हो, तो उसके मुताबिक वो यकीनन सोच विचार भी करेगा और कोशिश करेगा कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। तो यकीनन ये जो आयाम है हर दौर में, बाज़ ऐसे होते हैं जो पुराने दौर में, बाज़ बहुत सारे लोग हैं जिनको आशनाई भी है अहले बैत से, इन्हीं आयाम की वजह से है, बिलखसूस जो मुहर्रम के आयाम है, खुसूसन 10 दिन या चहलम के आयाम है हज़रत सैयद शुहदा अलैहि सलाम की 40, और दूसरे दिनों में यकीनन वो लोगों को काफ़ी हद तक आशनाई हो भी चुकी है। लेकिन ज़ाहिर है कि
खुद एक चीज़ जो बड़ी मुहिम है वो ये है कि हमारे आइमा अथहार अलैहिस्सलाम में अगर बात होती है मसलन हज़रत अमीर अलमोमिनीन अलैहिस्सलाम की, तो सब जानते हैं, उनको पहचान भी है और बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानते हैं, मखसूसन अकवाल और उनके अफ़आल और ये सब चीज़ें, हत्ता गैर मुस्लिम भी मिसालें देते रहते हैं। और अगर बात हो जाए सैयद शुहदा की, तो सैयद शुहदा की के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। लेकिन जब होती है हमारे दूसरे आइमा की बात, यानी खुद जैसे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम है, तो लोग जो है वो ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं करते। तो इस उनवान से भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के सामने इन चीज़ों को पेश करें, लोगों को बता दें कि क्या वाक़यात हुए हैं और कैसी इनकी तारीख है। यकीनन मजालस के और आज़ादारियों का एक फ़ायदा ये भी है, और ये हमारे उलमा ने ये तरीक़ा रखा है, बल्कि जितने भी शिया आलिम हैं, ना सिर्फ पाको हिंद, हर जगह पे, कि जहाँ पर ज़िक्र असल मकसद मसाइब अहले बैत अलैहिस्सलाम बयान करना होता है, लेकिन जब बात होती है कि मसाइब के अलावा इब्तदाई जो मुकदमे के तौर पे फ़ज़ाइल, तारीख़ और ये सब चीज़ भी बयान होती है, उसकी वजह भी यही है कि दो फ़ायदे इससे हासिल हो जाए। एक जो है वो ख़ुद फ़रामीन अहले बैत इन लोगों तक पहुंचते रहे, लोगों को समझ आती रहे, और एक जो है वो इंसान ख़ुद ज़िक्र मुसीबत को भी सुनने की सआदत हासिल करे। असल वो ज़िक्र मुसीबत है कि जो उन आयाम के साथ ख़ास होती है, लेकिन यह है कि साथ साथ में तारीख़ और हदीस का भी लोगों को इल्म हो जाता है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इंशाल्लाह अज़ीज़ प्रोग्राम के नेक्स्ट सेगमेंट में आपके हाजिर खिदमत रहेंगे। दोबारा हाजिर खिदमत है, और इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ। यकीनन आज का दिन चूँकि ख़ास है, शहादत हज़रत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के साथ, तो कोशिश करेंगे कि इसी उनवान से गुफ्तगू करें। और आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम अल मुस्लिमीन आली जना मौलाना शेख समी हुसैन नजफ़ी साहब नजफ़ अशरफ से हमारे साथ महव गुफ्तगू रहेंगे, और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राबता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी गालिबन कुछ फ़नी ख़राबी है, इंशाल्लाह दोबारा कंट्रोल रूम से कोशिश करेंगे कि किबला के साथ राबते को कायम कर सके, और इंशाल्लाह गुफ्तगू हज़रत इमाम तकी जवाद अलैहिस्सलाम के उनवान से कर सके। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि पुराना ये तरीक़ा रहा उलमा का कि असल दिन मसाइब के दिन होते हैं, लेकिन इब्तिदा में मजलिस की इब्तिदा में कोशिश करते हैं कि लोगों को तारीख़ और हदीस और फ़रामीन अहले बैत अलैहिस्सलाम से यानी आशना किया जा सके, और ये तरीक़ा कदीम उलायाम से चलता आ रहा है। यकीनन के इसमें फ़ायदे ये हो जाते हैं कि एक तरफ़ से खुद वो ज़िक्र मुसीबत है कि इंसान अल्लाह के नज़दीक हो जाता है इस गिरिए से, और दूसरी तरफ ख़ुद वो फ़ज़ाइल और मनाकिब है कि जिससे आशनाई हासिल हो जाती है, और तारीख़ तफसीर और हदीस वग़ैरह से भी मोमिनीन फैज़याब हो जाते हैं। तो ये तरीक़ा
कदीम उल अयाम से चलता आ रहा है और आज तक, बल्कि पूरी दुनिया में जितनी भी शिया उलामा है उनका यही तरीक़ा है कि इब्तिदा में वो चीज़ें बयान कर देते हैं कि जो ज़रूरी होती है, और आखिर में तवस्सुल भी कर लेते हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से। तो इस उनवान से ज़रूरी है कि हम कोशिश करें। दोबारा हमारा राबता कायम हो चुका है। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर खैरियत से हैं इंशाल्लाह? तबीयत मिजाज भी खैर है? अल्लाह का करम है, आप अल्लाह आपको कैसे हैं? सलामत रखे। सबसे पहले तो आज के दिन के मुनासिबत से आपकी खिदमत में तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ करते हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम फरमाया। अज़्ज़मल्लाहु अज़म अल्लाह हुजूरकुम। मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर सवालात का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा, और आज चूँकि ज़ाहिर है कि शहादत हज़रत इमाम मोहम्मद तकी जवाद अलैहिस्सलाम है, तो हुजूर मेरा पहला सवाल यह है कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की कमसिनी में मनसबे इमामत पर फ़ायज़ होने को दलील से साबित फरमाएं, इस पर अगर एक वजाहत हो जाए। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكم صبيا। सबसे पहले मैं अपने मोहतरम नाज़रीन की खिदमत में इमाम जवाद की शहादत के मौके पर ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ, और अपनी तरफ से आप सब की तरफ से वक्त के इमाम के जो हकीकतन इस गम के वारिस हैं उनकी खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करूँ। देखिए, जहाँ तक आपके सवाल का मसला है कि कमसिनी में मनसब इमामत पर फायज़ होना, यानी जी एक तरफ इमाम कमसिनी और दूसरी तरफ मनसब इमामत, तो सही है। लेकिन इस सवाल के जवाब देने से पहले तमहीदन में एक बहुत अहम बात, चूंकि जी सवाल जो है वो मौजू इमामत और इमाम से मुतालिक, तो मैं अपने नाज़रीन की खिदमत में ये इमामत और इमाम की अहमियत और अज़मत को बयान करने के लिए जी मुकदमतन एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ कि जिससे ये समझ में आ जाए कि इमाम किन मंजिलत किन मकामात का हामिल हो। बेशक। चुनांचा रिवायतों में मिलता है, यही नवे इमाम है, इनके वालिद बुजुर्गवार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से रवायत है कि अब्दुल अजीज इब्ने मुस्लिम नामी एक शख्स के, जो जी ये रिवायत बयान फरमाता है कि हम लोग मर्व की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमाते बैठे हुए थे कि आपस में हम लोगों में इमामत के मौजू पर गुफ्तगू शुरू हो गई कि सही इमाम किसे कहते हैं और इमामत किन अजमत और फजीलत का, जो मनसब इमाम बैठता है उसकी क्या अजमत होती है, क्या फजीलत होती है। तो किसी ने कुछ कहा कि इमाम की ये अजमत है, किसी ने कुछ कहा कि इमाम की ये तारीफ है, कोई कुछ कह रहा था। तो अब्दुल अजीज मुस्लिम ये कह रहे, इनका ये बयान फरमाना है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इमाम होता कौन है, सही आखिर इमाम की फजीलत क्या है। तो अब्दुल इमाम का चाहने वाले, उन्होंने कहा कि मैंने मौके को गनीमत समझा और जल्दी से उस मकाम से उठा और आठवें इमाम की खिदमत में आया जी कि इमाम से मैं ये सवाल करूँ, इमाम की जबानी पूछ लूँ कि इमाम किसे कहते हैं, सही इमाम किन सिफात का मालिक होता है, इमाम की क्या अजमत व फजीलत। जी चुनांचा अब्दुल अजीज से उठे और फौरन जो है वो आठवें इमाम की खिदमत में आए और आने के बाद सवाल किया, मौला कजिया ये है कि हम जो है वो जामा मस्जिद में बैठे हुए थे और आपस में ऐसा कर रहे थे कि इमाम की अजमत क्या है, तो कोई सही कुछ कह रहा है कोई कह रहा है, तो मौला मैं आपकी जबानी सुनना चाहता हूँ कि इमाम कौन होता है, सही इमाम की क्या अजमत फजीलत होती है। जी सुनिएगा कि इमाम की क्या अजमत है। जी इमाम अलैहिस्सलाम यानी आठवें इमाम ने सबसे पहला जो जुमला बयान फरमाया, इमाम फरमाते हैं इमाम वो होता है, फरमाते हैं अल इमामो वाहिदो दहरी, सुभान इमाम अल्लाह यकता जमाना होता है, अल्लाह अकबर इमाम यकताए जमाना होता है। उसके बाद इमाम सुभान फरमाते हैं अल्लाह ला नी है अहदुन, और इसकी यकताई इतनी ज्यादा होती है, वो इतना ज्यादा जो है वो बाफजीलत होता है कि ला युदानी है अहदुन, कि उसकी फजीलत में कोई शख्स उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर
इमाम की बराबरी, इमाम की अजमत को और इमाम को मुसावी नहीं हो सकता। यही वजह है कि नहजुल बलागा के पहले खुतबे में इमाम ने फरमाया था, ला यरका इलैय तैर, अल्लाह मेरी बुलंदी तक किसी का तायर को परवाज नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक। और मैं आपको नज़र करूं कि नहजुल बलागा में ही इमाम का ये बयान फरमाना है, इमाम फरमाते हैं ला युकासु बे आले मुहम्मद मिन हाज़िल उम्मत आदम, कि आले मोहम्मद की बराबरी किसी कोई शख्स नहीं कर सकता। बेशक बेशक। यहाँ वहाँ वहाँ पहले इमाम का ये कौल मौलाए कायनात नहजुल बलागा में फरमा रहे हैं, और यहाँ आठवें इमाम क्या फरमा रहे हैं, इमाम वाहिद उदहर, इमाम यकताए जमाना होता है, लायुदानी ने अहद, अगर कोई बराबरी कर रहा तो इमाम की कोई बराबरी नहीं कर सकता। और उसके बाद इमाम फयान अब्दुल अजीज पूछता है, तुमने पूछ लिया है तो जान लो इमाम कौन होता है। इमाम फयान फरमाते हैं वला युआदिलहु आलिमुन, ए अब्दुल अजीज भी अगर चाहे तो इमाम की बराबरी नहीं कर सकता। अल्लाह, और अपने अजीम को जरा सा रोकना चाहूंगा, आप देखिए आठवें इमाम की जबान इमाम क्या बयान फरमा रहे, वला युआदिलहु आलिमुन, अगर कोई आलिम चाहे तो इमाम की बराबरी नहीं कर सकता। बेशक। और बात है कि खुद इमाम की जबानी जिसके लिए इल्म साबित हो, जो आलिम हो, वो जब इमाम की बराबरी नहीं कर सकता तो फिर ऐसा कैसे इमाम के बराबर आ सकता है कि जो ये खुद कहता हुआ नजर आए कि मैं अगर सीधा चलूं तो ठीक है, और अगर मैं गलत मसला बयान करने लगूं तो मुझे जो है वो सीधे रास्ते की हिदायत पर। अल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वो कैसे, जब आलिम इमाम की बराबरी नहीं कर सकता तो फिर वो कैसे इमाम के बराबर आ सकता है जो ये कहते हुए नजर आए मदीने की औरतें मुझसे ज्यादा मसले से। अल्लाह अकबर, बिल्कुल, यकीनन यकीनन वाली बात। उसके बाद इमाम अब्दुल अजीज बिन मुस्लिम को बयान फरमा रहे, सुनिए कि इमाम कौन होता है, बयान फरमाते हैं वला यूजदु मिनहु बदलू वला मिसलू वला नजीर। अल्लाह अकबर। आप देखिए इमाम का कोई बदल होता है ना, इमाम के कोई मिसल होता है और ना इमाम को कोई नजीर होता है। ये अरबी जबान में मिसल बदल को बयान करने के लिए ये तीन अल्फाज हैं, ना बदल कोई इमाम का हो सकता है, उसके कायम मकाम हो सकता है, ना कोई उसका नजीर हो सकता है, ना कोई इसका सानी। सुभान अल्लाह। और उसके बाद इमाम बयान फरमाते हैं वो मंजर लजी जब लोगो मारिफतुल इमाम, कौन है कि जो इमाम की बराबरी कर सकता है, कौन है जो इमाम की मारिफत हासिल कर सकता है। बेशक। इमाम की कुन है मारिफत, हकीकत मारिफत, मैं अक्सर ये जुमला बयान कर पाता हूँ कि इमाम की कुन है मारिफत कोई हासिल नहीं कर सकता। खुद इमाम के बयान है, इमाम की जुबानी क्या कमा रहे, वो मंजल लजी यब लोगो मारिफत हो इमाम, कौन है कि जो इमाम की हक कमा हक कहू मारिफत हासिल। अल्लाह। उसके बाद इमाम अल्लाह हाथ हाथ जल्लतिल उकूल, हरगिज नहीं हरगिज नहीं, अकले कासिर हैं कि इमाम की अजमत और बुलंदी को बयान कर सकते। बेशक। तो इमाम इन सिफात का मालिक होता है। और अजीजों, और देखिए गौर फरमाने वाली बात है कि जब इमाम की कोई बराबरी नहीं कर सकता तो जो रसूल इस्लाम कि जो खुद इमामों का भी इमाम, जिसके लिए खुद इमाम बयान फरमाते हैं अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से हूँ, उनकी बराबरी कोई कैसे कर सकता। बेशक। तो फिर ये कहना कि पैगम्बर इस्लाम हम जैसे बशर हैं वो हमारे भाई हैं, ये कहना बिल्कुल नहीं होता। जी बिल्कुल। तो ये इमामत की अजमत खुद आठवें इमाम ने बयान फरमाई कि इमाम यकताए जमाना। अब आइए इस हवाले से, जब इतनी अजमत है, जब इतनी बुलंदी है, जब इतना मर्तबा है इमाम का, तो फिर ये सवाल कि कैसे मुमकिन है कि कोई कमसिनी के आलम में इस मर्तबे के ऊपर फायज हो सके। सही जी। तो मैं आपके प्रश्न करूं कि देखें शरीयत में तीन मराहिल होते हैं, एक मरहला होता है वहन वहम का मरहला, एक होता है शक का मरहला, और एक होता है जन का मरहला। सही। मैं अपनी बात को बहुत आसानी से चाह रहा हूँ कि वहम क्या होता है, वहम के एक से लेकर किसी मसले के मुताल्लिक, किसी शय के मुताल्लिक आप एक से लेकर 49% तक के उसमें शिकार हैं, आपको ना मालूम कि हो सकता है आप जो एहतमाल दे रहे हैं उसके होने का वो एक से लेकर 49 तक हो। शक क्या हो कि मसला 50-50 का हो, या तो ये हो या फिर 50% ये हो। उसके बाद एक और मरहला है, मरहला जन का मरहला है, शरीयत में कहा जाता है। वो मरहला क्या है कि 51% से लेकर 99%। सही है। उसके बाद एक चौथा मरहला है कि जिसे यकीन का मरहला कहते हैं, इल्म का मरहला कहते हैं, वो है 100%। अब सवाल ये, क्या मुमकिन है कि कोई
कमसिनी के आलम में, बचपन के आलम में मनसबे इमामत व फायज हो सके। तो मैं आखिर में अर्ज करूं, यहां पर उलमा ये बयान फरमाते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है कि अल्लाह ने बचपन में कमसिनी में किसी को मनसबे इमामत या मनसबे नबुवत को अता कर दिया। सही। कि अगर तारीख का मुताला किया जाए तो मैं अर्ज करूं कि तीन अंबिया ऐसे गुजरे हैं कि जिनको बचपन में नबुवत मिली, और तीन आइमा ऐसे गुजरे हैं कि जिनको कमसिनी में मनसबे इमामत अपनाया जाए। सही सही। अब जब ये तीन मरहले हैं तो मैं आपसे नर्ज करूं कि अब ये इससे क्या रिलेटेड बात है कि जो मैंने मरहला है वहम जन शक और जन को जिक्र किया है, वो इस वजह से कि सबसे पहला मरहला क्या हम चले, हमें वहम है कि क्या वाकई कोई कमसिनी के आलम में इमाम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका जवाब परवरदिगार ने ये कहकर दिया कि हमने सबसे पहला जवाब ये दिया कि अल्लाह ने जनाब दाऊद का खलीफा जनाब सुलेमान को 10 साल की उम्र में बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 10 साल में जनाब सुलेमान जनाब दाऊद के खलीफा बने, और खलीफा बने, खिलाफत मिली, नबूवत मिली, तो लोगों ने जो है वो एतराज किया जी कि ये कैसे मुमकिन है कि कोई नबी बचपन के आलम में नबी बन जाए, ये कैसे मुमकिन है कि कोई 10 साल की उम्र में नबी बन सकता है। चुनांचा अल्लाह ने वही की जनाब दाऊद पर कि ए दाऊद ऐसा करो कि तुम वो लोग के जो एतराज कर रहे हैं उनका असा ले लो। सुनिएगा अजमत, ए दाऊद उनका असा ले लो और जनाब सुलेमान का भी असा ले लो, और दोनों असा को एक कमरे में बंद कर दो और उस पर मोहर लगा दो। फिर अगले दिन देखना कि जिसके जिसका असा फलदार हो जाए, जिसका असा वरखदार हो जाए। देखिए एक असा एक दिन में वरखदार भी हो जाए, उस पर पत्तियां भी आ जाए और वो जो क्या उसमें फल भी आ जाए, यानी वो पूरा तनावर दरख्त हो जाए जी, तो वो जो है वो खलीफा बन हकदार है। चुनांचा जनाब दाऊद ने ऐसा ही किया। अब जो इस तरीके से एक कमरे में बंद कर दिया गया, अगले दिन देखा गया तो क्या देखा कि जनाब सुलेमान का जो असा था वो तनावर दरख्त में तब्दील हो जाए। सही। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कमसीनी ही के आलम में अगर मोजिजा साथ हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कोई मनसबे इमामत पर मनसबे नबूवत पर फायज हो जाए। तो ये देखें ये पूरा जवाब था जो परवरदिगार आलम ने जनाब दाऊद की शक्ल में। उसके बाद आइए अभी मरहला वहम था, यानी 1 से लेकर 49% तक हमें ये हो गया कि जी ऐसा हो सकता है। उसके बाद परवरदिगार आलम ने जनाब ईसा के हवाले से जी अभी ईसा की जब विलादत हुई और लोगों ने जो है वो मरियम पर जो कुछ शक के दायरे में रखा और जो है कहाँ से ये बच्चा लाई हो, इस तरीके के सवालात हुए, तो जनाब ईसा के हवाले से कुरान मजीद की आयत है कि जनाब ईसा गहवारे में बोल कि इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया। सुभान अल्लाह। कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब और अल्लाह ने व जालनी नबिया और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कि हुजूर ये जो इमाम नबी जनाब ईसा बयान फरमा रहे कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, यानी मतलब ये है कि ये बाद में नबी बनेंगे जी, अभी नबी नहीं है। तो इस तरह का सवाल लेकर कोई पांचवे इमाम की खिदमत में आया और आने के बाद अर्ज करता है कि मौला ये जो जनाब ईसा ने बयान फरमाया था कि अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, तो ये बताइए कि क्या उस आलम में जब गहवारे के आलम में जनाब ईसा ये गवाही दे रहे थे तो क्या जनाब ईसा उस वक्त हुज्जते खुदा थे? सही। तो पांचवे इमाम ने बड़ा लतीफ जवाब जी बड़ा लतीफ गहवारे में जनाब ईसा है और कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का बनाया हुआ नबी हूँ। पांचवे इमाम बयान फरमाते हैं कि तुम आम लोगों की तो बात दूर की है, उस वक्त उस हालत में कि जब अल्लाह के हुक्म से जनाब ईसा अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे थे लोगों की तो दूर की बात है, वो वक्त के नबी जनाब जकरिया और जनाब मरियम के लिए बाईस रहमत और हुज्जत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बेशक। जनाबे मरियम के बाईस रहमत, जनाबे जकरिया के ऊपर हुज्जत थे अफजाई। और उसके बाद इमाम बयान फरमा, याद रखो अल्लाह ने किसी एक दिन भी जमीन को हुज्जत खुदा से खाली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो ये देखिए ये दूसरी मिसाल अल्लाह ने पेश की, यानी मरहले वहम से निकलकर गोया हम मरहले शक में आ गए। अब आइए उसके बाद अल्लाह ने हमें मरहले जन में भी जवाब दिया, वो क्या जिसकी मैं आयत करीमा की मैंने तिलावत की, वो क्या जनाबे यहिया के हवाले से इरशाद हुआ, वह आतैनाहुल हुक्मा सबिया, कि हमने यहाँ पे तफसीर में अल हुक्म से मुराद यहाँ पे नबूवत है। अल्लाह ये बयान कर, हमने यहिया को
बचपने में ही नबुवत अता कर। बेशक तो पहला मरहला जनाबे सुलेमान का वहम से निकाला, उसके बाद जनाबे ईसा के मरहले में हमें मरहले शक से निकाला, और उसके बाद जनाबे यहिया के हवाले से हमें मरहले जन से निकालकर मरहले यकीन में डाल दिया कि अगर अगर कोई साहेब मोजिजा हो, अगर कोई साहेब अजमत हो, अगर कोई साहेब फजीलत हो, तो उसका बचपन में मनसबे नबूवत पर फायज हो जाना, मनसबे इमामत पर फायज होना, इसमें कोई इशकाल कोई हर्ज नहीं। बेशक बेशक किबला बहुत। अब आइए जी, बिस्मिल्ला 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 कीजिए। तो रही अंबिया के हवाले से, अब आइए तो हमारा असल सवाल था इमाम के हवाले से, नवे इमाम के हवाले से कि नवे इमाम तरीके से, चूंकि रिवायत में है कि जब इमाम जब आठवें इमाम की शहादत हुई तो आपकी उम्र उम्र मुबारक जो है वो 7 साल की थी, वह 7 साल की उम्र में इमाम इमामत और फायज सही है ना। तो अब इमाम के हवाले से मैं करूं कि इस तरह की रिवायतें बहुत ज्यादा मिलती हैं, अगर इंसान नवे इमाम की हयात मुबारका का मुतालिया करे तो ऐसा नहीं है कि ये सवाल आज हमसे किया जा रहा, नहीं बल्कि खुद नवे इमाम के जमाने में नवे इमाम से लोग सवाल किया करते इसके मतलब। बेशक बेशक चुनांचा इसी मुतालिक जो है वो उसूले काफी में रिवायत है जी कि नवे इमाम से किसी शख्स ने आकर शिकायत की कि मौला लोग आपकी कमसिनी के मुतालिक, कमसिनी में आपकी जो मनसब इमामत फायज होने के मुतालिक जो बहुत ज्यादा चीमीगोइयां कर रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा सवालात कर रहे हैं। सही। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में यही फरमाया था कि क्या जो लोग ये एतराज कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कुरान मजीद की आयत नहीं पढ़ी कि जनाब ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी किताब वजाल। सुभान अल्लाह बेशक बेशक जो अल्लाह बचपन में ईसा को मनसब नबूवत पर फायज कर सकता है वो मुझे बचपन के आलम में मनसब इमामत पर फायज कर दे तो कौन सी बड़ी थी। बेशक। और चूंकि हमारे यहाँ इमामत क्या है, हमारे यहाँ इमामत मनसब नबूवत की, ये वो मोहताज होंगे अलग से दलील की कि जो मनसब इमामत को मनसब नबूवत से हटकर समझते हो हम, जबकि हमारा तो अकीदा ये है कि मनसब इमामत मनसब नबूवत का ही दवाम और इस्तेमरार है। यकीनन यकीनन बेशक। तो अल्लाह नबूवत बचपन में दे सकता है, वो अल्लाह इमामत को भी बचपन में फायज कर सकता है। उसके बाद इमाम ने बेहतरीन जुमला बयान फरमाया, इमाम ने बयान फरमाया कि ये मेरे साथ कोई नई चीज नहीं है बल्कि खुद अल्लाह के रसूल ने बचपन में मेरे जद अमीरुल मोमिनीन को इस्लाम की दावत दी थी जबकि उनकी उम्र के बकिया जो बच्चे थे उनको इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी थी। और जब अली ने, जब मौलाए कायनात ने हिमायत का दम भरा था तो रसूल इस्लाम ने उस हिमायत को कबूल भी किया था, इस्लाम को कबूल भी किया था, तो अली अव्वलुल मुस्लिमीन ठहरे। अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। उसको इमाम फरमाते हैं कि फिर आइए उसके बाद हमारे जद हसन व हुसैन की गवाही अल्लाह के रसूल ने बचपन में ही कबूल की, अल्लाह के रसूल ने बचपन में ही उनकी बैत को कबूल किया। अब अल्लाह के रसूल का बचपने के आलम में कबूल कर लेना जबकि उस सिन के और बकिया बच्चे थे उनको इस्लाम की तरफ दावत नहीं दी, उनको उनकी बैत कबूल नहीं किया, इसका मतलब यह है कि बकिया बच्चे बकिया कमसिन लोग और होते हैं और इमामत के जो का जो बचपना होता है, इमामत की जो कमसिनी होती है वो और। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। तो इस इन रिवायात और अहादीस के तनाजुर में अगर ये कहा जाए कि परवरदिगार आलम कादिर है इस बात के ऊपर, और खुद अंबिया के अंदर ये सलाहियत हुआ करती थी, आइम्मा मासूमीन में अंदर ये सलाहियत होती थी कि वो बचपने में ही मनसब इमामत और नबूवत और फायज हो सके। बेशक बेशक बहुत ही खूबसूरत तरीके से किबला आपने वजाहत फरमाई इल्मी तरीके से और मकाम इमाम पे। यहाँ एक इश्काल वारिद होता है, मैं उस इश्काल के बारे में सवाल करना चाहूँगा कि बाद शहादत हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की शादी हुई है उम्मे फजल से, तो ये इसके बारे में भी बहुत सारे जिसको कहे इबहामात पाए जाते हैं, तो मैं अगर सवाल करूं इस तरीके से तो बेहतर होगा कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम ने क्यों उम फाजल बिनत मामून से अख्त किया जबकि इमाम को इल्म था कि मामून ही आपके वालिद गिरामी हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के कातिल है, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। जी सही है। मैं आपकी खिदमत इस हवाले से अर्ज करूँ कि देखें सबसे पहला जवाब तो इसका जो बहुत आसानी से दिया जा सकता है वो ये है कि
खुद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की रगबत नहीं थी, इमाम ने अपनी रगबत से उम्मुल फजल बिनते मुमून से शादी नहीं की, जी एक बात। उसके अलावा मैं आपसे अर्ज करूँ, ये जो उम्मुल फजल बिनते मामून थी जी। और उसको इमाम ने अपने में लिया, तो मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसकी कई मसलहतें तारीख में मिलती हैं। सही, मसलहतें तो ऐसी हैं कि जो खमखा की, जो मसलन लोगों ने डिफेंड करना चाहा है मामून को, तो जो उसके शायद आई थे उन लोगों ने ये कहा कि चूंकि मामून ये चाहता था, जबकि मेरी नजर में और अक्सर जो है वो उलमा की नजर में ये राय बिल्कुल गलत है। वो क्या, वो ये बयान फरमाते हैं कि चूंकि मामून ये चाहता था बनी अब्बास और बनी बनी हाशिम में जो दूरियां हो गई हैं वो दूरियां बिल्कुल फिर से जो करीब हो जाएं, और आपस में जो खराबियां पैदा हो गई वो जो है वो दूर हो जाए, इस वजह से उसने अपनी बेटी उम्मुल फजल को जो है वो उसने इमाम की अर्ज़ में लिया। तो इसके हवाले से उलमा ने बेहतरीन जवाब बयान फरमाया। उसका सबसे बेहतरीन जवाब एक आलिम दीन ने बयान फरमाया कि जो मामून सिले रहम दिखाने के लिए, आप कह रहे हैं कि सिले रहम के लिए वो करना चाह रहा था, लोगों को सिले रहम की दर्स देना चाह रहा था, तो वो आलिम दीन बयान फरमाते हैं कि जो मामून अपने भाई अमीन का कातिल हो सकता है, सही जी। जो अपने भाई का रखे वो किसी दूसरे का क्या होगा, बेशक। तो ये खामखा तो उसको जो है वो डिफेंड करना होगा। हाँ, इसके अलावा और बहुत सी मसलहतें हैं कि जो इस अक्त के पीछे हैं, जो कि जिसको बयान की जा सकती हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ मसलहतें वो बयान कर रहा हूँ कि जो मामून की मसलहत थी कि जिसकी वजह से उसने, तो ये तो एक बात थी, मैंने समझ के इमाम की रगबत नहीं थी। दूसरी बात ये कि जो मसला था इस अक्त के पीछे वो जबर और इकराह का मसला था, बल्कि शेख कुलैनी ने यानी अपनी किताब काफी में यहां तक के लिखा कि मामून ने दो इख्तियार दिया था इमाम को, या तो अक्द या फिर मौत। सही, या तो इमाम उसकी बेटी से अक्द करने को पसंद करें या फिर मौत को पसंद करें। तो बहरहाल मैं आपसे अर्ज करूं, तो अब इस अक्द से मसलहत क्या थी, तो सबसे पहली जो मामून की मसलहत थी जी वो क्या, वो इमाम रजा अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद लोगों के जहन में मामून के खिलाफ जो चीजें भरी हुई थी, मामून के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा था और मामून के खिलाफ जो लोग जो है वो भड़क उठे थे कि इसने जो है वो इमाम वक्त का कत्ल किया है, तो इस आग को बुझाने के लिए उसने और लोगों के इस गुस्से को कम करने के लिए उसने मसलहत इसमें देखा कि वो अपनी बेटी को अगर इमाम जवाद की अकद में दे देता तो लोग यही समझेंगे कि अगर वो कातिल इमाम होता तो इमाम उसकी बेटी से क्यों होता, जैसा कि आज सादा तरीन लोग जो है सवाल के और इस तरह के इमाम के जो शिकार। जी बिल्कुल, ये एक वजह ये है जो करती है मामून की तरफ। दूसरी बात जो अक्सर अहले तारीख ने लिखी है इस हवाले से कि मामून की एक वो भी थी, एक मकसद उसका ये भी था कि इस अवध के जरिए से मामून इमाम रजा को लहवोलाभ से और दुनियावी ऐशो आराम से करीब कर सके। सही, इस जवाब के, इस मसलहत के तहत उलमा ने यहाँ पे एक रिवायत भी बयान फरमाई है कि मामून अक्सर ये चाहता था कि चूंकि इमाम रजा की शहादत के बाद नवे इमाम की उम्र कम थी, कम से ही काम था, तो उसने आम तरीके सोचा कि ये कोई आम बच्चा है तो इसको जो हम लहवलाप का शिकार कर देंगे और इसको दुनियावी मस्तियों में जो है वो मस्त कर देंगे। चुनांचा रिवायत में मिलता है कि मामून अक्सर ये चीज चाहता, यहाँ तक के रिवायत में कि एक मरतबा उसने इमाम को दरबार में बुलाया और दरबार में बुलाने के बाद ढोल ताशे और यहाँ तक के गाना भी उसने दरबार में बजवाया ताकि इसके जरिए से इमाम को खुशी महसूस हो, लेकिन रिवायत का जुमला है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने सर को न उठाया, और जब सर उठाया तो इमाम ने ये जुमला कहा कि तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ कि तुम खामोश हो जाओ। बस इमाम ने जैसे ये जुमला कहा वो सारे ढोल और ताशे जो उनके हाथ से छूट कर जमीन पर गिरे। अल्लाह अकबर। तो उलमा ये इस रिवायत से हमें ये अंदाजा मिलता है कि मामून की एक पूरी कोशिश ये थी कि कमसिनी का फायदा उठाकर, वो आम बच्चों की तरह समझता था, कमसिनी का फायदा उठाकर इमाम को लहवलाप करीब कर सके। जब वो इस चीज पर कादिर ना हो सके तो उसने अपनी बेटी को इमाम के अक्द में दे दिया ताकि इसके जरिए से वो इमाम पर नजर रख सके, जैसा कि बाद में ऐसा हुआ भी। तो ये दो मसलहतें जो ने बयान फिर मामून की तरफ पलट दी। उसके बाद जो हमारे उलमा ने इमाम की मसलहत के हवाले से जिक्र किया है कि इमाम ने इस अक्द में क्या मसलहत देखी, तो उलमा यहां बयान फरमाते हैं कि चूंकि मामून ने दो इख्तियार दे रखा था, या तो आप अक्द करें या फिर मौत को तस्लीम करें, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने देख, और उसके बाद
बाकायदा उलमा का ये बयान है कि इमाम हमेशा अपनी मसलहत पर लोगों की, अपने शियों की मसलहत को तरजीह देते। बेशक इमाम ने कि अगर मैं इसकी बेटी से अक्द कर लेता हूं तो इसके जरिए से जो बनी अब्बास और के जरिए से हमें इमाम के शिया जो है वो जुल्म जुल्म के शिकार हुआ करते थे, तरह तरह से उनको परेशानियां परेशान किया जाता था और उनको जुल्म सितम ढाए जाते थे, तो अगर इमाम इस अक्द में आ जाते हैं और इमाम ये अक्द कर लेते हैं, इसके जरिए से इमाम जो वो शियों से इस जुल्म को मिटा सकते हैं। चुनांचा ऐसा हुआ भी कि जब इमाम ने ये अक्द किया तो उसके बाद बहुत सी आसानियां अपने शियों को फराहम की। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने गोया के खुद को इस अक्द पे राजी कर लिया, लेकिन शियों की मसलहत को, शियों को जुल्म से जो है वो निजात दी। तो इस तरीके से ये एक मसलहत थी कि जिसको जिक्र किया जाता है इस अक्द के पीछे। और इसका जो सबसे बड़ा जवाब जो मैंने सबसे पहले किया वो ये कि ये कहना कि इमाम ने क्यों शादी कर ली, क्यों अक्द मिलाए, तो ये सवाल उस वक्त पैदा होता कि जब इमाम अपनी रगबत का इजहार करता। बेशक हालांकि इमाम की ये रगबत नहीं थी, इमाम ने तो टाला, पर मसला जब जान पर आ गई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने शियों की मसलहत को अपनी मसलहत के ऊपर तरजीह दी, चुनांचा इमाम ने इस तरीके से। बेशक बेशक बहुत ही खूबसूरत तरीके से किबला आपने रफ़े इबहाम कर दिया। आखिर में अगर इन आयाम आज़ा के उनवान से मोमिनीन के लिए कोई पैगाम है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से मोमिनीन समाअत फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए जहाँ तक, चूँकि आने वाले महीने में जो है वो मसलन माह मुहर्रम अल-हराम है और अज़ा का महीना है जी, और हमें जो है वो आइम मासूमीन से, क्योंकि हम शियों का शियार ही रहा है कि शियातुना खुलिकु मिन फाजिल तीनत, हम बयान फरमाते हैं कि हमारे शिया वो होते हैं कि जो हमारी फाजिल तीनत से, हमारी बची हुई मिट्टियों से खल्क किए गए, यफरहून अलफरहना, तो हमारे शिया क्या करते हैं, अगर हम पर कोई मुसीबत होती है तो वो गमनाक होते हैं और अगर हमें कोई खुशी मिलती है तो हमारी खुशी में खुश होते हैं। बेशक तो इस शियार है, हमारा शियार ये होना चाहिए, क्योंकि आज इमाम की शहादत की भी तारीख है, तो हम हमेशा, हमें चाहिए कि जब कोई आले मोहम्मद पर अगर कोई जुल्म और सितम और इमाम को, अगर आले मोहम्मद को कोई गम की तारीख गुजरे तो हमें गमजदा रहना चाहिए, और आले मोहम्मद पर कोई खुशी तो हमें उसमें खुश रहना चाहिए। यही एक हकीकी शिया का शियार है और एक यही हकीकी शिया की पहचान। बेशक बेशक किबला अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, बहुत ही खूबसूरत बयानात आपने फरमाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया, नहायत ही तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है। इंशाल्लाह उल अजीज़ फिर भी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपसे वक्त लेता रहूँ ताकि इस फैज़ अज़ीम से इसी तरीके से फैज़याब होते रहें। मौला आपको सलामत रखे, आपसे किबला इल्तिमा से दुआ करते हैं, फ़ी अमान अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना अशेख समी हुसैन नजफ़ी साहब नजफ़ अशरफ से, बहुत ही खूबसूरत बयानात, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने जो इश्कालात के जवाबात थे वो इरशाद फरमाए। यकीनन जहाँ तक ताल्लुक़ है उम्मे फ़ज़ल का इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के साथ जो अक्त हुआ था, और मामून और रशीद जो कि इस तरीक़े से अहले बैत के साथ, अहले बैत के साथ और लोगों के अपनी सियासत को, लोगों के दरमियान अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए और अपने आप को, हत्ता चूँकि कातिल था इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का, तो इस तरीक़े से वो अपने आप को बचाना चाह रहे थे कि लोगों के सामने जो है मेरा करेक्टर ज़ाहिर ना हो जाए, चूँकि ये अगर ज़ाहिर आप मनाजरात जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हुए थे तो उसमें ख़ुद मामून अपने आप को शिया ज़ाहिर करता है, यानी जैसे दूसरे लोग थे वो, जैसे इनके बाप थे हारून, तो हारून और ये लोग जो है वो ज़ाहिरन अपने आप को बस अवकात मुहिबीन अहले बैत ज़ाहिर करते थे, लेकिन बस अवकात उन लोगों की भी दिफा करते थे कि जो यानी मज़हब शिया के जो गैर होते थे उनकी भी दिफा करते थे, तो उनका मज़हब जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा मुशख्खस नहीं था, लेकिन चूंकि मामून जो थे ये सियासतबाज थे और हारून से भी दो कदम आगे थे, तो ये मलऊन जो है अपनी
सियासत को भी बरकरार रखते थे और अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए अपने आप को शिया भी जाहिर करते थे, दिफा करते थे, बस बाद मनाजरात में मसलन दलीलें भी पेश करते थे इमामत अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम पर और ये सारा कुछ। तो इसने अपनी कोशिश यही की कि लोगों के सामने चूंकि अपने आप को शिया भी जाहिर कर रहे हैं, तो अपनी सियासत को बचाने के लिए और अपनी करेक्टर को लोगों के सामने अच्छा जाहिर करने के लिए इन्होंने ये इनकार कर दिया था कि हम जो है वो इमाम रज़ा अलैहि सलाम के कातिल नहीं है। और इसी वजह से इमाम जवाद अलैहि सलाम के साथ इन्होंने यानी ख़ानदान अहले बैत के साथ रिश्तेदारी की। और यकीनन जो जैसे इन्होंने फरमाया बहुत ही खूबसूरत तरीके से कि मसाले कुछ ऐसे थे कि अगर ये शादी न होती तो मज़ीद भी खतरात शियों के लिए भी बन सकते थे और ख़ुद इमाम के लिए भी बन सकते थे। इस किस्म के खतरात दकीकन वही इश्काल जो ख़ुद रसूलुल्लाह पे जाहिर होता है, लोग करते हैं कि अगर ऐसा ना होता तो उनकी फ़लां बीवी से क्यों वाक़ करते। तो जैसे वहाँ पर हम करते हैं कि कुछ ऐसे मसाले थे कि जिसकी वजह से ये शादी हुई। और इस मसाले को यहाँ से भी अंदाज़ा किया जा सकता है कि ख़ुद इन लोगों ने जाके ये रिश्ते दिए हैं, ना ये कि अहले बैत को कोई रगबत होती है। अहले बैत की कोई रगबत जैसे रसूलुल्लाह के लिए है कि रसूलुल्लाह की कोई रगबत नहीं थी। इन लोगों ने बाज़ वो जिसमें से मशहूर वो रिश्ते हैं तो उन्होंने जैसे दिए थे, तो ख़ुद इमाम जवाद अलैहिस्सलाम के लिए भी यही है कि रगबत जो है वो मामून की थी, ना कि इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की। तो इस किस्म के इन्होंने कोशिश की कि अपनी मुनाफिकाना रियासत को बचाने के लिए और अपनी अपने आप को बेगुनाह जाहिर करने के लिए इन्होंने आइम अथार अलैहिस्सलाम के साथ, ये भी एक जुल्म है कि उनकी उनसे ज़बरदस्ती रिश्तेदारी कर ली। ये ज़बरदस्ती की रिश्तेदारी थी जो इन्होंने की। और उम्मे फजल से इनकी एक और जो ये कोशिश इनकी ये थी कि किसी तरीके से अगर इससे ये उमुल फजल मसलन हामला हो जाए तो इसका कोई बच्चा अगर पैदा हो जाए तो हम जो है ये सियासत भी बादशाहत भी हमारे हाथ में आ जाएगी और इमामत का भी कह देंगे कि यही इमाम है जो वो बच्चा पैदा होगा, तो इमामत भी हमारे हाथ में और सारा कुछ जो है वो हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इन लोगों ने बहरहाल कोशिश की, लेकिन जाहिर है कि खुदा के राज और खुदा की कुदरतें हैं वो और होती है। किसी इंसान की ये जरूरत नहीं कि वो खुदा के कामों में मुदाखलत करे। खुदा ने अपना निज़ाम चलाना होता है और खुदा ने बेहतर तरीके से चलाया भी है और चलाते रहेंगे। तो इन लोगों ने बहरहाल अपनी कोशिश की और आज ये लोग मिट गए, ख़त्म हुए। अहले बैत का याद, अहले बैत की याद आज भी कायम है, लोग याद करते हैं। और यही चीज़ें हैं कि इंसान अगर बुराई की तरफ चला जाए तो बुराई में कुछ है नहीं, नाम मिट जाता है और सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक दुआ जो इस मखसूस दिन पर तमाम मोमिनीन को करनी चाहिए वो है हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए। और हम भी बैनुल हरमैन तमाम मोमिनीन की तरफ से दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीयकल फरज।